आज मैं आपके साथ कब्ज का रामबाण नुस्खा शेयर करूंगी। तो कितनी भी ज़्यादा आपकी कब्ज पुरानी हो गई हो, कितना भी मल फंसा हुआ हो, ये वाला नुस्खा है ना, इसको आप यूज़ करेंगे तो आपका कब्ज पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और सालों पुरानी जो गंदगी पेट में जमा हो गई है या फिर आंतों में जमा हो गई है वो भी पूरी तरह बाहर आ जाएगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा है, कब्ज तो ठीक करेगा ही, साथ ही वेट लॉस में भी काम करेगा, आपका वज़न भी कम होगा। अगर आपको कब्ज़ की समस्या बनी रहती है, आपके पेट में कचरा जमा रहता है, तो आपको ढेरों सारी बीमारियां लग जाएंगी। तो कैसे आपको सारी बीमारियों से बचना है, कैसे कब्ज़ को जड़ से ख़त्म करना है, साथ ही अपने वज़न को कैसे घटाना है, तो इसके लिए मैं आपके साथ दो नुस्खे शेयर करूँगी जिसको यूज़ करके आप कॉन्स्टिपेशन से पूरी तरह निजात पा सकते हैं, साथ ही अपना वज़न भी बहुत तेज़ी से कम कर सकते हैं। तो चलिए दोनों ही रेमेडी मैं आपके संग शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हमें एक पाउडर बनाना होगा और इस पाउडर को इस पाउडर से वेट लॉस भी होगा और कब्ज़ की प्रॉब्लम भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है, पहला जो है वो है सौंफ। तो कैसे भी सौंफ ले सकते हैं, मोटी सौंफ, महीन सौंफ, तो 2 से 3 चम्मच इसे भी लेना है। अच्छे से साफ कर लीजिए, ये भी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट है अजवाइन। अजवाइन को भी अच्छे से साफ कर लीजिए, इसमें कुछ गंदगी होती है वो निकाल लीजिए। इसे भी 2 से 3 चम्मच हमें अजवाइन लेनी है। हर चीज़ का एक रेशो है, या तो 2 चम्मच से बनाएं, 3 चम्मच से, जितना आप चाहें उसी रेशो से बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारा इंग्रेडिएंट है ज़ीरा। ज़ीरा सभी जानते हैं वेट लॉस के लिए बहुत बढ़िया है, पेट में गैस की प्रॉब्लम भी दूर करता है, तो ज़ीरा ले लें 2 से 3 चम्मच। चौथा हमारा इंग्रेडिएंट है मेथी दाना। मेथी दाना आप सभी को पता होगा डायबिटीज़ के लिए बहुत बढ़िया है और शुगर को कंट्रोल करता है, साथ ही पेट साफ करके वेट लॉस करता है, आंतों के अंदर जो मल जमा होता है उसे फ्लश आउट करने में बहुत हेल्प करता है। तो मेथी दाना हो गया चौथा। और पांचवा है हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है जिंजर पाउडर। तो अदरक का पाउडर भी आपको वो 2 चम्मच ही लेना है और ये सारे इंग्रेडिएंट को आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, पर इसको अभी हमें बाद में यूज़ करना है क्योंकि ये पिसा हुआ है और इसको हमें अभी यूज़ नहीं करना है, अभी हम इसे रख देते हैं। जो भी हमारे खड़े मसाले हैं पहले हमें उन्हें यूज़ करना है। तो यहाँ पे जितने भी हमने सौंफ, मेथी दाना, ज़ीरा और जो था हमारा अजवाइन, इन सबको हमको 3-3 चम्मच एक पैन में डाल देंगे और इसको हमें सौटे करना है, 1 से 2 मिनट करना है धीमी आंच पे। ये हम अभी नहीं डालेंगे अदरक पाउडर, और जिनको पित्ती उछलती है, जिनका बीपी लो रहता है, गर्मी में बना रहे हैं, तो अदरक पाउडर स्किप कर सकते हैं। तो देखिए इन सभी को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ हमें इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है। तो चलिए अब इसको हम कर लेंगे ठंडा, और ठंडा करके इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मिक्सर ग्राइंडर में मैं इसका पाउडर बना लेती हूँ। देखिए यहाँ पे ये पाउडर बनके रेडी हो चुका है। अब इसमें हम मिला लेंगे ये 1/2 चम्मच या 1 चम्मच, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है अदरक का पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच ही डालें, ज़्यादा ना डालें। और अब हम इसमें टेस्ट के लिए डालेंगे काला नमक, और ये हाजमा भी बहुत अच्छा करता है, तो काला नमक ज़रूर डालें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। अभी देखिए ये पाउडर हमारा बनके हो चुका है रेडी। अब इसको हम एक कंटेनर में रख देते हैं स्टोर करके, आप इसे 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब होने वाला नहीं है। और इसको अब मैं लेने का तरीका बता देती हूँ, इसको हमें 2-3 तरीके से हम इसे ले सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि 1 चम्मच हमने ये पाउडर लिया और इसमें हमने मिलाया ये 2 चम्मच शहद, तो आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हैं तो आप शहद में मिला के भी दे सकते हैं,
और शुगर वाले शहद के संग नहीं लें। और दूसरा तरीका ये है कि इसका हम एक ड्रिंक बनाएंगे। तो ड्रिंक बनाने के लिए हमने एक गिलास में एक चम्मच पाउडर डाल दिया है ये वाला, और इसमें हम डाल देंगे गर्म थोड़ा गुनगुने से तेज़ पानी गर्म। अब इसको लेने का तरीका ये है, आप इसे सुबह और शाम नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद इसे आराम से ले सकते हैं। ये बहुत तेज़ी से वेट लॉस करेगा आपका और कब्ज की प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा, ठीक है। और आप सादा चूर्ण भी ले सकते हैं और सुबह शाम पानी से फांक कर भी ले सकते हैं। अच्छी लगी हो ये मेरी रेमेडी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल